वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ फॉर यू। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे क्लास नाइन्थ चैप्टर ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज है ये 7.2, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। डायग्राम बुक पे बना हुआ है ए बी सी, ये आपको लेना है एक ट्राइंगल, और ये ट्राइंगल कौन सा है आइसोसेलेस, इसमें ए बी और ए सी ये दोनों साइड बराबर है। साइड बी ए इज प्रोड्यूस्ड टू डी, बी ए को आगे प्रोड्यूस किया गया कहाँ तक, डी तक, लेकिन प्रोड्यूस इस तरीके से किया गया है जितना ए डी की लेंथ आ रहा है वो है इक्वल टू ए बी, लेकिन ऑलरेडी हमें पता है ए बी इज इक्वल टू ए सी और ए बी आ रहा है ए डी के बराबर। डैट मीन्स ये तीनों ए बी ए डी और ए सी ये तीनों लेंथस क्या है, इक्वल है। शो डैट बी सी डी इज राइट एंगल, आपको दिखाना है बी सी डी, ये पूरा जो एंगल यहाँ पे है ये 90 डिग्री है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, अपने क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, इन एंगल्स को नंबरिंग करेंगे। एंगल वन, एंगल टू, इस एंगल को नाम देंगे एंगल थ्री और इस एंगल को नाम देंगे एंगल फोर। हम लेंगे ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में हमें क्या दिया है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी के क्योंकि दो साइड्स बराबर है तो इनके अपोजिट वाले दो एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल है इस ट्राइंगल में, उसको हमें नाम दिया है टू। एंगल टू इज इक्वल टू ए सी के अपोजिट क्या है, दैट इज एंगल वन, इसको हम नाम रखेंगे फर्स्ट। और रीजन क्या आएगा, सेम एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स और इक्वल इन अ ट्राइंगल। ऑलरेडी हमें एक और चीज पता है ऑल्सो, ए बी जो है वो ए सी के बराबर है और यही ए डी के बराबर भी है, दैट मीन्स ये और ये भी आपस में बराबर है। इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल हम लेंगे ए सी डी जो ऊपर वाला ट्राइंगल है ए सी डी। इस ट्राइंगल में हमें क्या है, इस ट्राइंगल में है ए सी इज इक्वल टू ए डी, ए सी और ए डी बराबर है तो इनके अपोजिट वाले एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए सी के अपोजिट इस ट्राइंगल में कौन सा एंगल है, फोर इज इक्वल टू ए ए सी इज इक्वल टू ए डी है ये, तो ए डी के अपोजिट इस वाले ट्राइंगल में कौन सा एंगल है, एंगल थ्री है, इसको नाम रखेंगे सेकेंड। उसके बाद जो पूरा बड़ा ट्राइंगल है बी सी डी, इसमें हम यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। इन ट्राइंगल बी सी डी यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी जो है वो एंगल वन के बराबर है, एंगल सी जो है वो दो एंगल्स का बना है 2 + 3, प्लस एंगल डी जो है वो एंगल फोर के बराबर है इज इक्वल टू 180। एंगल वन के बदले हम 2 दे सकते हैं, एंगल फोर के बदले हम 3 दे सकते हैं। एंगल वन के बदले 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। क्यों हमने दिया, क्योंकि हमें सिर्फ ये एंगल चाहिए, ना 1 चाहिए ना 4 चाहिए, इसलिए हमने इसको रिप्लेस किया। कैसे रिप्लेस किया, यूजिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कैसे हम करेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज टूवाइस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज टूवाइस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। 2 कॉमन, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3, अब देखो ये कौन सा एंगल बन रहा है, कंप्लीट एंगल बी सी डी,
एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, टू मल्टीप्लाई में ही डिवाइड हो जाएगा, विच एम्प्लाई एंगल बी सी डी जो है डेट इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिलेशन करेंगे देयर फोर एंगल बी सी डी जो है वो आएगा 90 के बराबर। दैट मीन्स बी सी डी जो एंगल है ये कौन सा एंगल है, राइट एंगल है जो हमें दिखाना था। थैंक यू।